हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। स्पीच रुक कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर सोनीपत से, जहां मेयर पद उम्मीदवार की काउंटिंग इस वक्त की जा रही है और लगातार सोनीपत में कांटे की टक्कर इस वक्त चल रही है। 7 राउंड के बाद कांग्रेस उम्मीदवार एक बार फिर से आगे चल रहे हैं। 6 राउंड में भी कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी बढ़त बनाई हुई थी। कांग्रेस उम्मीदवार इस बार यानी कि 7वें राउंड में भी बढ़त बनाए हुए हैं। 24,072 वोट के साथ बीजेपी है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो 7वें राउंड में भी बढ़त बनाए हुए हैं। 7 राउंड की मतों की गणना हो चुकी है और अब ये अंतर बढ़ चुका है, 4,495 वोटों का अंतर, जिसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार आगे नजर आ रहे हैं। जी आप बिल्कुल, और ये अंतर लगातार बढ़ता हुआ, कहीं ये अंतर बीजेपी के उम्मीदवार को महंगा ना पड़ जाए। लगातार राउंड 6 के बाद भी हमने आपको बताया था कि ललित पत्रा पीछे हैं, निखिल मदान आगे हैं, और अब राउंड 7 की काउंटिंग भी पूरी हो चुकी है और अब ये अंतर, हार का अंतर जो है वो बढ़ चुका है। ललित बत्रा निखिल मदान के सामने अभी पीछे चल रहे हैं, लेकिन अभी भी शुभेंदु नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल, अभी भी कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि राउंड 7 ही पूरे हुए हैं, अभी टोटल राउंड 15 हैं और कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। और अभी हालांकि लेकिन मार्जिन अच्छा है नंदिनी, और 4,495 वोटों का अंतर, एक अच्छी खासी लीड उनको मिली है। लेकिन ये देखना होगा कि अभी जो जिस राउंड की अभी 7वां राउंड जो रहा है ये किस इलाके का रहा है, क्योंकि ये अक्सर माना जाता है कि ग्रामीण जो इलाका है वहां पर भारतीय जनता पार्टी की उतनी अच्छी पैठ नहीं है। जी, जी, जी। और शहरी इलाकों की बड़ी अच्छी पार्टी मानी जाती है बीजेपी। तो ये देखना होगा कि 7वें राउंड में जब कौन से ईवीएम खुली है वो किस इलाके की है, और ये बड़ा मायने रखता है। लेकिन फिलहाल ये माना जरूर जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट है, उम्मीदवार है, वो बढ़त बनाए हुए हैं, एक अच्छी खासी लीड उन्होंने ले ली है, और 7 राउंड के बाद कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं वो आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं। और सिलसिलेवार तरीके से हर राउंड की जानकारी हम आपको पहुंचा रहे हैं। ये आप देख भी रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर सबसे ऊपर, जहां 7 राउंड के जो अभी तक के नतीजे हैं वो आपके सामने हैं। जी बिल्कुल, और इसी बीच रुख करेंगे इस वक्त की एक और बड़ी खबर का। बड़ी खबर आपको कलाना से बता दें, जहां पर नगर पालिका चेयरमैन के नतीजों का ऐलान हो चुका है और निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू ने जीत दर्ज कर ली है। निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू जीते हैं। बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार महेंद्र को मात दी है निर्दलीय उम्मीदवार ने। बड़ी खबर उकलाना से, और उकलाना में एक बड़ा इंतजार था क्योंकि नगर पालिका के लिए चेयरमैन पद के लिए इंतजार किया जा रहा था निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू, क्योंकि उनके समर्थित जितने भी अभी तक कैंडिडेट थे वो पार्षद यानी कि वो इससे पहले तक जीत हासिल कर चुके थे। अलग अलग वार्डों में उनके जो समर्थक थे उन्होंने भी जीत हासिल की थी, और ये माना जा रहा था कि अब जो है चेयरमैन पद को लेकर के जो लड़ाई है उसमें भी निर्दलीय उम्मीदवार सुशील ही अपनी जीत का कब्जा करेंगे। और ऐसे में उन्होंने बीजेपी जेजेपी के जो कैंडिडेट रहे हैं उनको शिकस्त दी है, और एक बड़ी यहां पर एक तरीके से कह लीजिए कि बड़ी हार हुई है और एक बड़ी जीत निर्दलीय कैंडिडेट के लिए, यानी कि सुशील की एक बहुत बड़ी जीत इसको माना जा सकता है। और ये देखिए तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, उकलाना की तस्वीरें हैं, जहां पर तमाम सुशील साहू समर्थित जो कार्यकर्ता हैं उनके, उनमें समय जश्न का माहौल है और खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। सुशील साहू ने बीजेपी जेजेपी समर्पित उम्मीदवार महेंद्र को मात दी है, और उकलाना से चेयरमैन पद के लिए सुशील साहू ने जीत दर्ज की है। उनके समर्थकों के बीच इस वक्त खासा उत्साह देखा जा रहा है, समर्थक जो है वो जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं, और आज की जो तस्वीर है वो कुछ इसी तरीके की रहने वाली है। आज कहीं पर समर्थक जो है खुशियां मना रहे होंगे, तो कहीं पर कुछ समर्थकों के चेहरों पर मायूसी भी होगी जिनके कैंडिडेट्स इस चुनाव को हारेंगे। लेकिन नतीजे आने शुरू हो चुके हैं, लगातार नतीजों का सिलसिला जारी है। और उकलाना से आपको बता दें चेयरमैन पद के लिए सुशील साहू जो कि निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत दर्ज की है। उकलाना की जनता ने नगर पालिका चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार को तरजीह दी है, निर्दलीय उम्मीदवार को मौका दिया है। सुशील साहू ने बीजेपी जेजेपी समर्थित उम्मीदवार महेंद्र को हरा दिया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको उकलाना से दिखा रहे हैं जश्न की।
बिल्कुल नंदनी, और ये जो जीत हार का अंतर होता है, और जीत हार एक एक चुनाव का और किसी भी खेल का एक तरीके से वो निष्कर्ष यही होता है, किसी भी एक खिलाड़ी को जीत मिलती है और इसी को स्वीकार भी किया जाता है, और इसीलिए अगर कोई भी कैंडिडेट अगर हारता है तो वो हताश नहीं होता है, वो आगे अगर वो राजनीति के अंदर आगे बढ़ना चाहता है तो वो इसी तरीके से वो आप कंटिन्यू करता है, आगे भी चुनाव लड़ता है। लेकिन फिलहाल एक बड़ी जीत इसको माना जा सकता है, क्योंकि जो निर्दलीय कैंडिडेट हैं उनकी जीत होना, और क्योंकि उकलाना ये वो सीट है नंदिनी जहां पर बहुत बढ़ चढ़कर वोटिंग हुई थी, और शुरुआत में ही जब वोटिंग हुई थी तो उस वक्त भी ये माना जा रहा था लगभग 80% के आसपास यहां पर वोटिंग हुई थी, तो ये शुरुआत में ही माना जा रहा था कि जब वोटिंग इतनी बंपर हुई है तो जाहिर तौर पर एक बड़े बदलाव के संकेत भी हैं, और सरकार के खिलाफ हमेशा से जो रूलिंग पार्टी होती है उसके अगेंस्ट जाता है, और कुछ ऐसा ही नतीजे भी यहां पर बता रहे हैं। बिल्कुल, और जैसे कि हमारे सहयोगी अनूप कुंडू बता रहे थे शुभेंदु, कि भ्रष्टाचार उकलाना नगर पालिका में एक अहम मुद्दा रहा है जिससे उकलाना की जनता काफी त्रस्त भी है, तो इस बार भ्रष्टाचार को हराने के लिए लोगों ने वोट किया। उकलाना की जनता से जब हमने भी बात की थी तो उनके लिए भी सबसे बड़ा विषय यहाँ किसान आंदोलन भी रहा है, क्योंकि यहाँ गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी पहुंचे थे और गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने उकलाना की जनता से अपील की थी कि आप सोच समझकर वोट दें और आपका एक एक वोट बहुत कीमती है। शायद उनकी इस अपील का असर भी हुआ है, और एक बड़ी वजह है कि यहाँ पर बीजेपी जेजेपी समर्थित प्रत्याशी जो हैं वो हार गए हैं चुनाव, और निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू पर जनता ने भरोसा जताया है। दरअसल ये अलग अलग निगमों की, पालिकाओं की और परिषद की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और लगातार अब इस चुनाव को लेकर के जो भी हलचल है वो उसकी सीधी तस्वीरें, क्योंकि अब बहुत हद तक जो कैंडिडेट्स हैं वो जीत हासिल कर चुके हैं, वो अपनी जीत हासिल कर चुके हैं, तो अब ये एक बड़ी उपलब्धि, और खास करके उकलाना के अंदर जो चेयरमैन पद का जो इलेक्शन था, जो चुनाव था, वो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है, और उसने क्योंकि ये माना जा रहा है कि बीजेपी और जेजेपी के जो कैंडिडेट हैं उनको पीछे कर दिया, उनको हराया है, तो ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से माना जा रहा था कि इस किसान आंदोलन का कितना असर देखने को मिलता है, तो यानी कि प्रभाव तो जरूर पड़ा है, लेकिन कितना पड़ा है, बाकी सीटों पर कितना इसका असर रहेगा ये फिलहाल देखना होगा, क्योंकि ग्रामीण इलाका है और ये पहले से ही मानकर चला जा रहा था कि ग्रामीण इलाकों में इस आंदोलन का असर रहेगा, जहां पर किसान संगठन है या फिर कृषि क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, तो अब भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं या नेता हैं वो इस पर आखिर क्या कहते हैं, क्या इस पर उनका रिएक्शन होगा, वो भी हम आपके साथ साझा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें हैं, ये जश्न की तस्वीरें हैं, ये खुशी की तस्वीरें हैं, ये बताती हुई तस्वीरें हैं कि जिस चेहरे को जनता ने पसंद किया था वो चेहरा अब जीत चुका है, और लोगों में इस बात को लेकर के उत्साह है, समर्थकों में खुशी है, और इसी को बताया जा रहा है, अपना इजहार किया जा रहा है खुशी के जरिए, जश्न के जरिए। ये हरियाणा न्यूज पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं, जिसमें आप देख पा रहे हैं प्रशासन की मौजूदगी भी है, पुलिस प्रशासन भी है, लेकिन जो समर्थक हैं वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि खुशी का मौका है, और एक जो समय तक उन्होंने लड़ाई लड़ी, उन्होंने कैंपेनिंग की, उन्होंने लोगों के बीच पर जाकर अपनी बातों को पहुंचाने का काम किया, तो जाहिर तौर पर वो सफल रहे हैं अपनी बात को पहुंचाने में, और इसीलिए उनको इस दौरान जीत हासिल हुई है। और यहां आपको बता दें कि उकलाना से जो चेयरमैन पद की जो लड़ाई थी उसको जीत चुके हैं सुशील साहू, भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के जो साझा उम्मीदवार रहे उनको उन्होंने शिकस्त दी है, और एक जीत हासिल कर ये इस ओर इशारा कर दिया है कि ये वो इलाके हैं जहां पर आज भी किसी भी राजनीतिक दल को छोड़ करके जनता की पहचान है, चेहरे की पहचान है, और चेहरे पर भरोसा करके जनता उसको जिता भी सकती है और आगे बढ़ा भी सकती है, अपना नेता चुन सकती है, और इसीलिए यहां पर सुशील साहू के लिए एक बड़ी जीत है, और इसीलिए लगातार तस्वीरें भी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि हम ग्राफिक्स के जरिए आप देख पा रहे हैं, टैली हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर अंबाला निगम चुनाव को लेकर के हलचल क्या है, अलग अलग वार्ड की जो जानकारी है वो भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ किस कैंडिडेट को जीत मिल चुकी है, किसको अभी तक हार का सामना करना पड़ा है वो भी आप देख पा रहे हैं।
और चलिए जरा अब आगे बढ़ते हैं, दो खास मेहमान हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं, जरा सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उनसे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता बिजेंद्र नेहरा जी आप कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बिजेंद्र जी बहुत स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता राय सिंह जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। राय सिंह जी बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। राय सिंह जी, किस तरीके से अभी तक के जो नतीजे सामने हैं, कई ऐसे वार्ड हैं चाहे उकलाना के हों, उकलाना के लगभग ऑलमोस्ट क्लियर हो चुके हैं, चेयरमैन पद की स्थिति भी साफ हो चुकी है, किस तरीके से देख रहे हैं अभी तक के नतीजों को? शुभेंदु जी, सबसे पहले मैं आपके प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस अहंकारी और अनुभवहीन सरकार जो गठबंधन के रूप में इस प्रदेश के लोगों के सामने आई थी, इसको एक वर्ष में दो बार इनको इनकी नाकामियों का, इनकी कुरूतियों का और जनभावना के खिलाफ करने वाले कार्यों के लिए इनको आईना दिखाया है। सबसे पहले बड़ौदा उपचुनाव में जिस प्रकार बहादुर मतदाताओं ने वहां पर निर्णायक फैसला किया, इनको बताया कि तुम्हारी जो हालत है सरकार की वो बिल्कुल नागुजरी है और लोग उसे पसंद नहीं करते। इसी प्रकार वर्तमान में जो इसी एक वर्ष के अधीन जो नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव हरियाणा प्रदेश में हुए हैं, पहला चुनाव परिणाम जो आपने बताया उकलाना का भी आया है जिसमें बीजेपी बुरी तरह हारी है, तो जैसे जैसे धीरे धीरे चुनाव परिणाम सामने आएंगे, इससे एक बात तय हो गई है कि हरियाणा प्रदेश की जनता ने इस गठबंधन की सरकार से जो उम्मीदें थी, जो विश्वास के साथ दोबारा इनको एक बार सत्ता सौंपी थी, उससे आज जनता त्रस्त है, चिंतित है और चाहती है कि ये शोषण करने वाली सरकार, ये किसान विरोधी सरकार, ये मजदूर विरोधी सरकार और विभिन्न वर्गों कर्मचारियों के साथ जो अन्याय सरकार ने विश्वास में लेकर किया है, सरकार इंडिपेंडेंट अगर इस टाइम जो उम्मीदवार खड़े हुए और जीत हासिल कर चुके हैं, कांग्रेस पार्टी अब ये दावा तो नहीं कर सकती ना, क्योंकि इस बार तो कांग्रेस पार्टी भी खुद अपने पार्टी सिंबल पर लड़ रही है, यानी कि आपको भी नकार दिया गया। शुभेंदु जी, यहां पर एक बात आपकी मैं मानता हूं कि किसी प्रकार से लोगों का रुझान क्या है, वास्तव में देखिए कि लोगों का रुझान सदैव चुनाव जो है सत्ता पक्ष को देख कर लड़ा जाता है कि सत्ता पक्ष को कैसे हराना है, किस प्रकार से चुनाव में सत्ता पक्ष की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो सरकार का एक वर्ष का जो जनता के सामने। सर, इसका मतलब तो ये भी है ना कि विपक्षी खेमा यानी कि जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनको भी पसंद नहीं किया है। देखिए आप, मैं आपकी बात को आगे, निर्दलीय कैंडिडेट को आगे बढ़ाया है जनता ने, जनता ने उन पर ज्यादा भरोसा किया है। ठीक है, मैं जरा बिजेंद्र जी से जल्दी से रिएक्शन लेता हूं। बिजेंद्र जी, इन अभी तक के नतीजों को आप किस तरीके से देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी अभी तक आगे आने वाले नतीजों को लेकर के भी कितनी उम्मीदें अभी बाकी हैं, आपको क्या नजर आता है? वो आज आ रही है मेरी क्लियर? जी बिल्कुल। शुभेंदु जी, देखिए मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे रुझान आने शुरू होंगे तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से सफलता हासिल करेगी। और उकलाना की जहां तक आपने बात की है, कांग्रेसी तो ऐसे खुश हो रहे हैं कि जैसे वहां पे उनका अपना प्रत्याशी जीता हो, उनको तो यहाँ पे सोचने में भी बड़ा सोच के बार बार ये सोचना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी की आज इतनी हालत खराब कैसे हुई है। जिस बड़ौदा का लेके भी बार बार शुभेंदु जी खुश होते हैं, उस बड़ौदा के अंदर इनकी लोकसभा चुनाव में जब हुड्डा जी चुनाव लड़ रहे थे 67,000 वोट उनको मिली थी, अब की बार इनको 60,000 वोट वहां पे मिली है, तो 6,000 वोट इनकी कम होगी, नैतिक हार इनकी एक तरह से होगी वहां पे। भारतीय जनता पार्टी को जो वहां पे 33,000 वोट पिछली बार मिली थी, इस बार हमें 50,000 पार वहां पे पहुंच गई थी, हमारा 11% वोटिंग शेयर वहां पे बड़ौदा में बढ़ गया था। और पूरे देश के अंदर 58 सीटों पर हुए उपचुनाव में से 42 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किसानों के और गरीब और मजदूरों के आशीर्वाद से अभी जीती है लगभग एक महीने पहले। और इनकी सभी जगह जमानत जब्त हुई है कांग्रेस पार्टी की, चाहे वो मध्य प्रदेश में भी इनकी जमानत जब्त हुई, यूपी में भी, गुजरात में भी, सब जगह इनकी जमानत जब्त हुई है, और एक बार नहीं कई कई बार जमानत जब्त हुई है। तो कांग्रेस पार्टी को जनता ने रिजेक्ट कर दिया। जब 5 जिलों में नगर निगम के पीछे चुनाव हो रहे थे साल भर पहले, तब भी ऐसी ढोल पीटते थे 5 के 5 जिलों में बुरी तरह से हारे थे पहले भी, और यहाँ भी ये बुरी तरह से हारेंगे। और ये निर्दलीय कैंडिडेट के जीतने पे खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे वो वाली कहावत है कि अपने पल्ले तो कुछ है नहीं, लेकिन जब कोई जीत जाता है तो उसको ये, और ये देखिए कह रहे हैं सरकार को देख के चुनाव लड़ा जाता है, तो क्या आप ढपली बजाने के लिए चुनाव में आए थे? आप किस लिए फिर चुनाव में आए थे जो सरकार के विरोध में चुनाव लड़ा जाता है? तो आप कुछ नहीं है, इसका मतलब खत्म मान रहे अपने आप को। राय सिंह जी, अस्तित्व खत्म हो चुका है आपके। जो कांग्रेस पार्टी भी तो अपने लिए लड़ाई लड़ रही थी ना, और आपने तो एक बड़ा एक्सपेरिमेंट किया ना पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़कर, आपको लगता है कि अभी तक फायदा मिलता हुआ नजर आया? शुभेंदु जी, जहां तक मेरा मित्र आजाद नेहरा जी राष्ट्रीय स्तर की बातें कर रहे हैं,
इन्हें पता होना चाहिए कि लोकसभा चुनाव में बिहार के अंदर लगभग 42 सीटों में से 38 सीटें लोकसभा की बीजेपी ने जीती थी, और लेकिन जब विधानसभा चुनाव हुए, अगर विधानसभा चुनाव को लोकसभा के साथ तुलना करें तो वहां पर लगभग 200 के आसपास विधानसभा सीटें जीतनी चाहिए थी, लेकिन जिस प्रकार इन्होंने वहां पर प्रशासनिक तरीके से और इनके जो भी साम दाम दंड भेद पूरा देश जानता है चुनाव में, जो ये अपनाकर वहां पर लगभग दूसरे नंबर की पार्टी बनकर आए और गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, इस प्रकार से ये अपने आप को प्रशंसित कर रहे हैं, ये इनका अपना राजनीतिक आयना है। और जहां तक चुनाव की बात होती है, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार वहां पर सरकार बनाना ये पहले नंबर पर नहीं आते क्या? अगर सारा सिस्टम इनके हाथ में होता तो ये जीत हासिल करते, ये पहले नंबर पर आते, ये तो सारी सीट अपने कब्जे में करते फिर तो। सुभेंद्र जी एक तो मौका दीजिए तो पूरी बात कहने का, कम से कम मुझे पूरा हक है ना। आप एक मिनट में दूसरी बात पूछेंगे तो पहली बात का जवाब कहेंगे। मैं तो सर आपकी बात ही कर रहा हूँ बस। जहां तक बात है हरियाणा के इन नगर निगम चुनाव की, ये हमारा पहला प्रयास है, क्योंकि आपको पता है कि हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को जब से हरियाणा का निर्माण हुआ है केवल शहरी सीटों तक सीमित होती थी, और ये गठबंधन से सरकार में आते थे, चाहे लोक दल के साथ आए चाहे विकास पार्टी के साथ आए। अब पहली बार आप देखिए कि नगर निगम चुनाव में भी सोनीपत में, पंचकूला में, रेवाड़ी में, जहां जहां पर शहरी मतदाता हैं वहां पर भी ये लगातार पीछे हट रहे हैं। ठीक है, तो इनकी नैतिक हार है। आपके कहने का मतलब आजाद नेहरा जी, ये आपकी नैतिक हार है, राजनीतिक हार है, और एक वर्ष के अंदर ही वहां पर भी कमजोर होते चले जा रहे हैं। ठीक है सर, मैं राय सिंह जी वापस लौटता हूं, मैं वापस लौटता हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है अंबाला से, जरा वो हम अपने दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। अंबाला से खबर, जहां पांचवें राउंड की गिनती अब पूरी हो चुकी है। अंबाला से इस बीच ये जानकारी, और इससे पहले तक क्योंकि हरियाणा जन चेतना पार्टी की जो कैंडिडेट हैं वो आगे चल रही थी, शक्ति रानी 2274 वोटों से आगे चल रही हैं, और अंबाला में पांचवें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। और साथ ही आपको बता दें कि हरियाणा जन चेतना पार्टी की जो उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, वो इस वक्त आगे चल रही हैं 2274 वोटों से। तो ये स्पीच अहम खबर, और पांचवें राउंड की जब गिनती अब तक पूरी हो चुकी है तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं डॉक्टर वंदना शर्मा वो अभी तक पीछे हैं, मीना अग्रवाल कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो भी पीछे हैं, लेकिन हरियाणा जन चेतना पार्टी की जो उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा वो इस वक्त बढ़त बनाए हुए हैं 2274 वोटों के साथ। मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन लेता हूं, राय सिंह जी क्या कहना चाहते हैं? अंबाला नगर निगम का जो चुनाव है उसका भी पांचवा राउंड आया है, और आप देखिए जिस प्रकार से मतदाताओं का रुझान है, मतदाताओं का रुझान जिस प्रकार से आपने बताया कि जन चेतना पार्टी की तरफ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं दो बातें इसमें साफ होती है। पहली कि यहां पर मतदाताओं ने एक वर्ष पहले बनी हुई भाजपा जजपा की सरकार को, उनके मतदाताओं को, उनके घोषणाओं को, और जिस प्रकार मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, बड़े बड़े इनके पदाधिकारी, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने वहां की जनसभा में क्या कहा कि मेरे पास माननीय प्रधानमंत्री जी का फोन आया है, कभी पंचकूला में गए हैं, कभी अंबाला में गए हैं, इसी प्रकार की बातें उन्होंने की। तो जब प्रधानमंत्री के इस प्रकार के विश्वास बड़े बड़े लोगों को प्रलोभन दिए, उसके बावजूद भी मतदाताओं ने भाजपा को नकार दिया। ठीक है, भाजपा को नकार दिया है, ये आपका कहना है। मैं जरा भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से भी इस पर रिएक्शन लूंगा, लेकिन जरा हमारे संवाददाता, ठीक है सर राय सिंह जी मैं वापस लौटता हूं, लेकिन राजकुमार शर्मा हमारे संवाददाता इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। राजकुमार, क्या अभी तक हलचल है, क्या जानकारी है? पांचवें राउंड में हरियाणा जन चेतना पार्टी की जो कैंडिडेट हैं शक्ति रानी शर्मा वो आगे बढ़त बनाए हुए हैं? जी बिल्कुल, पांचवें राउंड में शक्ति रानी शर्मा जो है वो 2274 वोटों से बीजेपी से आगे है, जबकि इनको 2430 और बीजेपी को 2192 वोट मिले इस राउंड में, और कांग्रेस को 982 और एचडीएफ को जो है 816 वोट मिले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक से लेकर पांचवें राउंड तक जो है शक्ति रानी शर्मा जन चेतना पार्टी की जो है वो बढ़त बनाए हुए हैं। और हालांकि यहाँ जैसे कि आपने देखा था कि ये एक परिवार वर्सेस पूरी सरकार लगी हुई थी, लेकिन बावजूद उसके जो है बीजेपी को लोगों ने नकार दिया लगता है अभी तक जो इस राउंड है, क्योंकि गांव में जो किसानों का भी इनका विरोध चल रहा था और इसका भी असर जो है ये बीजेपी पर देखने को मिला है। राजकुमार, कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार हैं मीना अग्रवाल, उनकी क्या स्थिति है अभी? जी वो अभी तीसरे स्थान पर ही हैं और चौथे स्थान पर एचडीएफ है, और
जिस प्रकार से ये स्थिति बन रही है और सबसे आगे जो है शक्ति रानी शर्मा। ठीक है ठीक है राजकुमार, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल बहुत शुक्रिया। लेकिन जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, बिजेंद्र नेहरा जी, ये कैंपेनिंग जो आपने की, ये बार बार कहा जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो भी ये कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ ये नतीजे आ रहे हैं और निर्दलीय उम्मीदवारों का चुना जाना, ये क्या संकेत दे रहा है? देखिए शुभेंदु जी, पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके संवाददाता ने जो बताया है कि भारतीय जनता पार्टी और जो आपने बताया हरियाणा जनचेतना पार्टी का मुकाबला चल रहा है, कांग्रेसी पीछे से दौड़ लगा रहे हैं, वो लास्ट नंबर पे आना चाह रहे हैं और लास्ट नंबर में फर्स्ट नंबर पे आना चाह रहे हैं, यानी तीसरे चौथे नंबर की जो लड़ाई है वो कांग्रेस लड़ रही है सभी जगह, आप कहीं का भी देख लीजिए। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह से बिहार का इन्होंने जिक्र किया, बिना तथ्यों की जानकारी के बैठे हैं शायद कांग्रेसी प्रवक्ता, इनको पता होना चाहिए कि ज्यादातर सीटों पर बिहार विधानसभा में इनकी जमानत हुई है, 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था इन्होंने, 19 सीटें मात्र जीते, पिछली बार 28 सीटें थी उसमें भी 9 सीटें कम होगी, भारतीय जनता पार्टी 73 से अधिक सीट जीत के वहां पे हमने सरकार बनाई है बिहार में बहुत मजबूती के साथ में। और जहां तक बात है, देखिए इन्होंने जो बात की, इनको इनके जो बंटी और बबली है राहुल जी और प्रियंका जी और लालू जी के बेटे जी ने कहा है कि बंटी और बबली ने मेरा सत्यानाश कर दिया, पहले 70 सीटों पर जबरदस्ती चुनाव लड़े, इनको नहीं लड़ाते तो हम कहीं ना कहीं अधिक सीधे जीत सकते थे, तो इनको देखना चाहिए, पूरे देश में जनता इनको धूल चटा रही है, इनको पानी पिला पिला के इनको हरा रही है, 58 सीटों के उपचुनाव में पहले जमानत जब्त, उसके बाद बिहार में जमानत जब्त, उसके बाद 5 जिलों के नगर निगम में, हरियाणा में जमानत जब्त, उसके बाद हरियाणा में दोनों विधानसभाओं में दोनों लोकसभाओं में इनकी जमानत जब्त, तो इनको ये जमानत जब्त पार्टी होगी जिस तरह से ये पिट रहे हैं। देखिए कांग्रेस पार्टी भी हार रही है और ये इनको जनता ने इनकी परमानेंट छुट्टी कर दी है, इसलिए राहुल गांधी जी पहले ही छुट्टी मनाने चले गए, राहुल गांधी जी पहले ही विदेश में नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए मौज मस्ती करने के लिए निकल चुके हैं और यहाँ किसानों के धरने पर सहानुभूति बटोर रहे हैं, इन कांग्रेसियों को जरा भी शर्म ये नहीं आती कि आप मौज मस्ती नए साल मनाने के लिए विदेश में जा रहे हैं और फिर किसानों की बात कर रहे हैं, जनता आपको परमानेंट छुट्टी करने पर जनता इनकी लगी हुई है, इनकी परमानेंट छुट्टी हो जाएगी। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी की शुभेंदु जी बात है, आप देखिए मुख्य मुकाबले में आज भी भाजपा ही है, कांग्रेस तो तीसरे चौथे नंबर की लड़ाई लड़ रही है और हम जैसे जैसे नतीजे आएंगे भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और इसके साथ साथ शुभेंदु जी मैं बताना चाहूंगा आपको, देखिए किस तरह से इनके 2 करोड़ फर्जी हस्ताक्षर करा के अभी भी सरकार बनी है लेकिन घोटाले इनके जारी है, लगातार घोटाले पे घोटाला, स्कैम पे स्कैम कांग्रेस ही कर रहे हैं, इनके कांग्रेस के किसान सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं पता सिग्नेचर किसने कराए, इनके युवा मोर्चे को नहीं पता, युवा मोर्चा कह रहा किसान ने कराए होंगे, किसान मोर्चा कह रहा युवा ने कराए, दोनों को नहीं पता साइन किसने कराए, लेकिन 2 करोड़ फर्जी हस्ताक्षर करा के देश के माननीय राष्ट्रपति महोदय को सौंप दिया इन्होंने, और इनके हरियाणा इकाई हो यूपी इकाई हो जहां जहां साइन हुए, बड़ी विचित्र बात है, पूरे देश के अंदर आदमी चाहता है कि कांग्रेस की सरकार बनी है। राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा शामिल करते हैं राय सिंह जी। शुभेंदु जी, मेरे मित्र आजाद नेहरा जो है हताशा का विजेंद्र नेहरा सर, यहाँ पर विजेंद्र नेहरा उनका नाम है, इनकी ट्रेनिंग इस प्रकार की होती है कि फर्जी आंकड़े, आप बीच में मत बोलिए कृपया, मेरी बात को पूरा दीजिए शुभेंद्र जी। अब क्या है, राय सिंह जी उनका नाम विजेंद्र नेहरा, सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, अरे विजेंद्र नेहरा जी जो मेरे मित्र हैं, उनकी ट्रेनिंग, उनका जो प्रशिक्षण है, वो पूरे प्रदेश में उनके प्रवक्ताओं का झूठ की, फरेब की, आंकड़ों के मायाजाल के लिए होता है, ये तो साबित हो चुका है। अरे इन्हें अपनी हार पिछले एक साल में जो बड़ौदा उपचुनाव की हार हुई, वो भी आंकड़ों के आधार पर अपनी नैतिक जीत बता रहे हैं, इनसे बड़ा विश्लेषक कौन हो सकता है, इन्हें ज्ञान नहीं है किसी बात का, हरियाणा की राजनीति के बारे में इन्हें पता नहीं है कि किस प्रकार उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम पूरे प्रदेश में जिस प्रकार चुनाव हो रहे हैं और ये बीजेपी लगातार हार रही है, रेवाड़ी में, सोनीपत में, पंचकूला में और अंबाला में भी बीजेपी आ रही है, तो क्या इन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि इनकी क्या स्थिति है। रही बात 2 करोड़ के हस्ताक्षर कराने की, शुभेंदु जी 10,000 साइन मेरे इलाके से हुए हैं, लाखों किसानों ने साइन हरियाणा प्रदेश से किए हैं, इनकी पार्टी पहले ही फर्जी और टीआरपी के आंकड़ों में पूरी दुनिया बदनाम हो चुकी है, मिसकाल लगाकर इन्होंने संख्या बताई, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बताई, दुनिया का सर्वे हुआ और ये पकड़े गए, ये उन चोरों की आंकड़ों की बात। रही बात आज देश में केवल दो अहंकारी शासकों ने इस पूरे भारतवर्ष के किसान को, मजदूर को, व्यापारी को लूटने का काम किया है और ये चंद उद्योगपति मित्रों के हाथों में बिक चुके हैं। चलिए ठीक है, राजनीति जो ठीक है, हम सिर्फ चुनाव पर रहना चाहते हैं लेकिन घूम फिर कर के बाद किसान आंदोलन पर ही आ जाते हैं, इन्होंने केवल अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए हर कार्य किए हैं। ठीक है, मैं जरा जल्दी से रिएक्शन ले लेता हूँ, एक रिएक्शन लेता हूँ फिर मैं जरा इलेक्शन को लेकर के बात करता हूँ। विजेंद्र जी जरा जल्दी से जवाब इस पर दे दीजिए, राय सिंह ने बहुत बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं, जरा इस पर जवाब दे दीजिए फिर उसके बाद मैं जरा सवाल करता हूँ फिर। क्या कहा सुनंदु जी?
राय सिंह जी कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो आपने किए, मौजूदा वक्त में कई भ्रष्टाचार हुए हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि हस्ताक्षर को लेकर के जब आप सवाल उठा रहे हैं तो हरियाणा प्रदेश से भी कई लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। देखिए शुभेंदु जी, सवाल हमने नहीं उठाया, मेरे मित्र को मैं बताना चाहूंगा, कांग्रेसी जो साथी हैं वो सवाल हमने नहीं उठाया, सवाल उठाया इनकी किसान सेल के अध्यक्ष ने और युवा मोर्चा के अध्यक्ष ने। इनकी पार्टी के नेताओं ने कहा है कि हमें नहीं पता। जब आप जैसे पत्रकार, जो प्रोजेक्ट पत्रकार शुभेंदु जी, आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार उनके सामने गए और ये अखबारों की रिपोर्ट न्यूज चैनलों में आया है, जब वो उनके पास गए जानने के लिए कि आपने कितने लोगों से हस्ताक्षर कराए, तो उन्होंने कहा हमें नहीं पता, कब चला गया हमें नहीं पता। तो इसका मतलब फर्जी है, हमने आरोप नहीं लगाया, इनकी पार्टी के नेताओं ने आरोप लगाया, पहली बात। दूसरा मैं इनको बताना चाहूंगा, जो अडानी अंबानी की बात इन्होंने की, मैं इनको इनसे जानना चाहता हूं। ठीक है सर, ठीक है, मैं जरा विजेंद्र जी वापस लौटता हूं, मैं जरा वापस लौटता हूं, मैं माफी के साथ रोकना चाहता हूं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है पंचकुला से, जहां मेयर पद के छठे राउंड की गिनती अब पूरी हो चुकी है और बीजेपी उम्मीदवार 1194 वोट से आगे निकल चुके हैं और साथ ही साथ बीजेपी को 10,335 वोट मिले हैं। भारतीय जनता पार्टी को के उम्मीदवार जो हैं उनको थोड़ा सा बढ़त मिली है, कांग्रेस को छठे राउंड में 9,141 वोट मिले हैं अब तक। तो पंचकुला से स्पीच ये जानकारी, जहां पर अब छठे राउंड की जो गिनती है वो पूरी हो चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी को 10,335 वोट मिले हैं और कांग्रेस को छठे राउंड में 9,141 वोट यहां पर हासिल हुए हैं। तो पंचकुला की स्थिति, मेयर पद के छठे राउंड की गिनती अब तक पूरी हो चुकी है, पंचकुला की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। 1,194 वोटों का अंतर है और 1,194 वोटों की अंतर के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उम्मीदवार हैं कुलभूषण गोयल, उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। तो मेयर पद के छठे राउंड की गिनती पंचकुला में अब पूरी हो चुकी है और अब अगले राउंड की गिनती एक बार फिर से आगे बढ़ेगी, लेकिन छठे राउंड का क्या हाल है वो हम आपको बता रहे हैं। और इस बीच एक और बड़ी खबर सोनीपत से सामने आ रही है, मेयर पद की उम्मीदवार की काउंटिंग इस वक्त की जा रही है, 10 राउंड के बाद कांग्रेस उम्मीदवार आगे है और साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार 4,332 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं और कांग्रेस को 39,932 अभी तक वोट मिले हैं। तो सोनीपत से इस बीच ये जानकारी, जहां पर मेयर पद के उम्मीदवार की अलग अलग राउंड को लेकर के मतों की गणना इस वक्त की जा रही है और 10वां राउंड इस बीच चल रहा है, जहां पर 4,332 वोटों से कांग्रेस आगे चल रही है, 39,932 आप वोट जो है फिलहाल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिलते हुए नजर आए हैं और 10वां राउंड है, कुल मिलाकर के 15 राउंड होने हैं, 5 राउंड अभी और बाकी हैं, देखना बेहद दिलचस्प होगा, बेहद कड़ा ये मुकाबला है। हालांकि अंतर बना हुआ है लगभग 4,500 वोटों का, 4,332 वोट का जो अंतर है वो फिलहाल नजर आता है, लेकिन इस अंतर के साथ कैसे आने वाले राउंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार क्या इसमें आगे निकल पाते हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि अंतर फिलहाल 4,000 से ज्यादा वोटों का बना हुआ है। एक बार फिर से आपको बता दें कि 35,600 वोट फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को मिले हैं और 39,932 कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिलते हुए नजर आए हैं और दोनों में अगर अंतर देखें तो 4,332 वोटों का अंतर है, जिसमें बढ़त बनाते हुए निखिल मदान नजर आ रहे हैं। ललित बत्रा जो कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं वो फिलहाल पीछे हैं, लेकिन आगे आने वाले राउंड में क्या वो बढ़त बना पाते हैं ये देखना होगा। और उकलाना के भी नतीजे सामने आ चुके हैं और उकलाना में ही हमारे संवाददाता अनूप कुंडू ने खास बातचीत की है, जरा वो आपको दिखाते हैं। चुनाव मतगणना में उकलाना नगर पालिका में जो जीत का सेहरा बंधा है वो निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू के सिर पर बंधा है। आज मतगणना हुई और मतगणना पूरी शांतिपूर्ण रही।
निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू ने जेजीपी बीजेपी के गठबंधन के उम्मीदवार महेंद्र सोनी को 419 मतों से हराया। उसके बाद तीसरे नंबर पर कपिल नारंग रहे निर्दलीय उम्मीदवार और कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार राजेश बंसल चौथे स्थान पर रहे। पूरी मतगणना और पूरा आज का जो कार्यक्रम था, सिस्टम था, वो पूरा शांतिपूर्ण रहा। भारी संख्या में पुलिस बल तैनात यहाँ पर रहा और मत जितनी भी यहाँ पर लगभग जो मतगणना का समय रहा वो बहुत कम था और उसके दौरान ही यहाँ पर 3 से 4 घंटे में पूरी मतगणना कर दी गई। बड़ी शांतिपूर्ण रही। ईवीएम को आप देख सकते हैं, ये अब दोबारा से स्ट्रांग रूम में रख दिया जाएगा सेफ से। और पूरी गिनती के बाद आज हम कह सकते हैं कि जेजीपी बीजेपी का जो गठबंधन का उम्मीदवार था उसको 419 मतों से करारी मात देते हुए निर्दलीय उम्मीदवार सुशील साहू ने जीत हासिल कर ली। अपने सहयोगी के साथ अनूप कुंडू, हरियाणा न्यूज उकलाना। तो यानी कि ये फिलहाल धीरे धीरे नतीजे साफ होते चले जा रहे हैं। और चलिए जरा वापस से रुक कर लेते हैं, दोनों खास मेहमान हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में बने हुए हैं। विजेंद्र जी, मैं जरा आपसे ये पूछना चाह रहा हूं क्योंकि पंचकुला के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो थोड़ी सी बढ़त बनाए हुए हैं। छठे राउंड की मतगणना के बाद 1194 वोटों का जो मार्जिन है वो उनके पास बना हुआ है, लीड उनके पास है। लेकिन दूसरी तरफ सोनीपत के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं वो लगभग 4000 से ज्यादा वोटों से अभी आगे बने हुए हैं। तो यानी कि दोनों जगहों पर, एक जगह पर तो थोड़ा सा एज मिला हुआ है लेकिन दूसरे सोनीपत में नुकसान कुछ हद तक नजर आता है। देखिए सुभेंदु जी, जैसे आपने बताया पंचकुला में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं वो आगे चले हुए हैं, इसी तरह से उकलाना में आपके संवाददाता ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी दी कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो मात्र 400 वोटों के अंतर से निर्दलीय प्रत्याशी से पिछड़े हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी का समर्थित उम्मीदवार जिसको कांग्रेस ने समर्थन दे रखा था उसकी जमानत जब्त होगी है, चौथे नंबर पे वो आया है। इसी तरह से कांग्रेस का सभी जगह बुरा हाल है और ये इन्होंने वहां पे सिंबल पे चुनाव क्यों लड़ा, इनको पहले ही अपनी हार दिखाई दे रही थी शुभेंदु जी, इसीलिए इन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए वहां पे सिंबल पे चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मजबूरी में किसी ना किसी को समर्थन तो देते ही है ये। वो तो शुक्र है कि कम से कम निर्दलीय को इन्होंने अभी तक जाके माला नहीं डाली है, नहीं तो इनका तो काम पिछले चुनावों में हमेशा यही रहता था, जो जीत जाता था मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थूथू, जो जीत जाता था उसको बोलते थे, जयकारा मारते थे उसका कि वो उनका अपना उम्मीदवार बन गया, उसको निर्दलीय को समर्थन दे देते थे, और जो हार जाता था नहीं नहीं हमारा नहीं है इससे, हमारा कोई लेना देना नहीं है जी, नहीं नहीं जी। तो इस तरह से इनका व्यवहार रहता था। पहली बार इन्होंने हिम्मत जुटाई है कि सिंबल पे चुनाव लड़े, इनकी जमानत जैसे चौथे नंबर पर उकलाना में ये रहे हैं, पंचकुला में ये पिछड़ रहे हैं और देखना धीरे धीरे ये सोनीपत के अंदर भी ये पिछड़ेंगे और हमारी सब जगह जीत होगी। और उसके बाद में इनसे अभी पूछ लेना कांग्रेस की प्रवक्ता से कि ईवीएम वगैरह सब ठीक है ना, सब मामला एकदम फिट है ना, क्योंकि हारने के बाद ही आरोप लगाना शुरू कर देंगे, भागेंगे जोर जोर से और रोना चिल्लाना शुरू कर देंगे, नहीं जी ईवीएम गलत था, इन्होंने तो गड़बड़ कर दी। चलिए अभी पहले अभी सबसे पहले यही जान लेते हैं राय सिंह जी, ये क्या अभी ईवीएम को लेकर के कहीं ऐसा तो नहीं कि नतीजों के बाद सवाल उठा दिया जाए? शुभेंद्र जी, मेरे मित्र के एक प्रश्न का जवाब मैं देना चाहता हूं जो पीछे रह गया था। इन्होंने कहा हमारे नेताओं के बारे में कहा कि मौज मस्ती के लिए विदेश चले गए हैं। इनके पार्टी के दो नंबरी नेता हैं तड़ी पार, उनका बेटा जय शाह आजकल कहां मजे कर रहा है। शब्दों की मर्यादा सर, मेरा जी को पता है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल के बैनर के तले पिछले 2 महीने से कहां मजे कर रहा है। मैंने पप्पू को दादा भी नहीं कहा। नहीं सर, देखिए प्लीज देखिए सुनिए, विजेंद्र जी और राय सिंह शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए, इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल ना करें तो क्या 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 उनके ननिहाल है। विजेंद्र जी आपको भी यही रिक्वेस्ट करता हूं, राय सिंह जी मैं आपसे भी यही कह रहा हूं, अपने देखिए शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए बस, सहानुभूति के तरीके, देखिए जनता देख रही है सर, जनता देख रही है। चलिए ठीक है, मैं जरा वापस लौटता हूं पंचकुला से। स्पीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, मेरठ के 7वें राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और बीजेपी उम्मीदवार 1596 वोट से आगे हैं, यानी कि एक बार फिर से बढ़त बनाए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। बीजेपी को 12191 वोट मिले हैं और कांग्रेस को छठे राउंड में 10500। लौटता हूं क्योंकि इससे पहले ये पंचकुला से जुड़ी एक अहम खबर सामने आ रही थी, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनको कुछ हद तक बढ़त मिलती हुई एक बार फिर से नजर आई है। राय सिंह जी कुछ कहना चाह रहे थे, जरा आप अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन सर मैं फिर से दरख्वास्त करना चाहता हूं शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए प्लीज। राय सिंह जी बताइए। शुभेंदु जी मैं शब्दों की मर्यादा गरिमा और राजनीति में संस्कार समझता हूं, लेकिन मेरे मित्र नेहरा जी ने जिस प्रकार से हमारे नेताओं के बारे में उनके सहानुभूतिपूर्वक पारिवारिक दौरे को लेकर उसका जवाब दिया है, मैं भी उम्मीद करूंगा कि शब्दों की गरिमा बनी रहे। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि किस प्रकार से, अभी तो 7वां 6वां राउंड चला है, पहले कांग्रेस पंचकुला में आ गई थी, अभी
बीजेपी कुछ मतों से आगे है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जब तक लास्ट राउंड आएगा, हम उम्मीद करेंगे, बार बार मैं कहता हूं कि सोनीपत के लिए, पंचकूला के लिए और अंबाला के लिए और रेवाड़ी के लिए और शाहपुरा के लिए हम उम्मीद करेंगे कि कांग्रेस विजयी होगी और धीरे धीरे सोनीपत में लेकिन अच्छी खासी बढ़त बनी हुई है। राय सिंह जी, सोनीपत में 4000 से ज्यादा वोटों के अंतर से कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट है, मैं वही कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं निखिल मदान, उन्होंने बढ़त हासिल की हुई है। लगभग 4000 से ज्यादा वोटों का अंतर है उनके पास, एक बड़ा अच्छा खासा मार्जिन भी बना हुआ है। 10वां राउंड अब तक सामने आ चुका है, लगभग 5 राउंड की आप गणना जो है और रहती है, तो आपको लगता है कि कुछ इसी तरीके से आगे भी राउंड दर राउंड अंतर बना रहेगा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को? बिल्कुल शिवेंद्रू जी, जिस प्रकार से आपका प्रश्न है, मैं आपके प्रश्न में अपनी बात को जोड़कर विश्वास व्यक्त करता हूं कि हरियाणा प्रदेश के इन नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव में जो एक साल सरकार की उपलब्धि की बात करते थे, सरकार का एक एक, एक प्रचार प्रसार का तरीका था, उसमें कहीं ना कहीं जो शहरी मतदाताओं की पार्टी भाजपा सदैव रही हरियाणा में, उसको भी शहरी मतदाता नकारेंगे और कांग्रेस विजयी होगी। लेकिन सर एक चीज और भी मैं यहां जानना चाह रहा हूं कि सोनीपत की खास करके बात हम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उन्होंने लीड तो हासिल की हुई है, लेकिन असल मुद्दा क्या रहा है? पूरे चुनाव की कैंपेन के दौरान किसान आंदोलन का आपने भी जिक्र किया, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी रहे या जितने भी नेता कैंपेनिंग के लिए उतरे, उन्होंने कहा कि ये सुधार के कानून है। आप बार बार कहते रहे कि ये आप किसानों के हित में नहीं है, नुकसानदायक कानून है, तो आपको लगता है कि इसके आधार पर भी जनता ने वोटिंग की होगी? देखिए शुभेंद्रु जी, जहां तक इन तीन कृषि कानूनों की बात हम करते हैं, आज पूरे देश का किसान, उसका परिवार और उनके साथ जुड़े संगठन बड़े विश्वास के साथ इस बिल को बड़े तरीके से अध्ययन किया है। आज किसान परिवार का बेटा वैज्ञानिक भी है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है और आर्थिक विशेषज्ञ भी है, और उनको पता है कि वास्तव में सही अर्थों में इस बिल का परिणाम क्या होगा। तो जब उसको लेकर उन्होंने मंथन चिंतन किया और देश में एक माहौल तैयार हुआ कि भाई ये किसान बिल जो है ये केवल किसानों के फायदे के लिए नहीं, बल्कि इस सरकार ने अपने चंद उद्योगपति मित्रों को कृषि क्षेत्र में निवेश देने के लिए बनाए हैं। अब आप देखिए कि इस बिल की प्रवृत्ति क्या है, तीन प्रकार के बिल हैं। पहला कि जमाखोरी को, ठीक है मैं जरा वापस लौटता हूं, मेरा सवाल कुछ और तक है, लेकिन अंबाला से इस पीछे बड़ी खबर सामने आ रही है जहां हरियाणा जन चेतना पार्टी की प्रत्याशी आगे बनी हुई है और लगातार वो बढ़त बनाए हुए हैं और शक्ति रानी लगभग 2000 से ज्यादा वोटों के अंतर से आगे चल रही हैं। और यहां आपको बता दें कि हरियाणा जन चेतना पार्टी की उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, जिन्होंने डॉक्टर वंदना शर्मा जो कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हैं उनको भी पछाड़ते हुए वो फिलहाल राउंड दर राउंड बढ़त बनाए हुए हैं और एक लीड उनके पास अब बन चुकी है। वहीं कांग्रेस पार्टी की जो उम्मीदवार है मीना अग्रवाल, वो तीसरे पायदान पर हैं, जैसा कि इससे पहले भी हमारे संवाददाता इस पर जानकारी दे रहे थे कि वो कुछ हद तक पीछे जरूर हैं। लेकिन एक बड़ी और अहम बात ये भी कि हम इससे पहले उकलाना में भी देख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी और क्योंकि गठबंधन में कैंडिडेट उतारा गया था बीजेपी और जेजेपी की तरफ से, तो ऐसे में चाहे उकलाना हो चाहे अब अंबाला की बात कर रहे हैं, तो यहां पर भी जो गठबंधन है वो कुछ हद तक पीछे नजर आ रहा है और इंडिपेंडेंट जो हैं वो कहीं ना कहीं इस बार इन स्थानीय स्तर के चुनावों के अंदर अपना दबदबा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हरियाणा जन चेतना पार्टी की जो उम्मीदवार हैं शक्ति रानी शर्मा, वो फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं। जरा मैं जल्दी से आगे बढ़ता हूं और विजेंद्र जी मैं जरा जल्दी से इस पर रिएक्शन ले रहा हूं। ये हमने इससे पहले उकलाना की भी बात की और अब जो है अंबाला में भी जिस तरीके से अब राउंड दर राउंड जैसे जैसे नतीजे आगे आते जा रहे हैं, बीजेपी ठीक है दूसरे पायदान पर आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस तो बिल्कुल ही पिछड़ गई है, लेकिन सर बीजेपी तो दावा कर रही थी ना जीत का। देखिए बिल्कुल शुभेंदु जी, हम दावा कर रहे थे और दावे के अनुरूप हम देखिए उकलाना को छोड़ करके बाकी सब जगह तो भारतीय जनता पार्टी कड़े मुकाबले में है। जब तक अंतिम परिणाम नहीं आता इसमें कुछ भी कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन निश्चित रूप से परिणाम सुखद रहेंगे, हमारे पक्ष में रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जीत होगी और कांग्रेस पार्टी तीसरे और चौथे नंबर की जो लड़ाई लड़ती आ रही है उसी लड़ाई को लड़के वहां तक सिमट जाएगी। और जहां तक कृषि कानूनों की बात मेरे मित्र ने अभी की, तो ये तो ऐसे लोग हैं, अभी दो दिन पहले राहुल गांधी जी का लोकसभा के अंदर जो उन्होंने संवाद किया था वो जारी हुआ है कि किस तरह से डायरेक्ट मार्केटिंग करते हुए आलू के किसान को, क्योंकि आलू से बहुत प्यार है उनको, आलू से सोना निकाल देते हैं। तो वो उन्होंने खुद कहा है कि वो जब यूपी में गए थे तो एक आलू का किसान उनसे मिला और वो कहता है जी कंपनियां हमारे यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं आती, बिचौलिए क्यों हमारा माल खरीदते हैं, हम तो डायरेक्ट कंपनी को देना चाहते हैं।
तो उन्होंने तो खुद कहा है लोकसभा के अंदर कि डायरेक्ट मार्केटिंग करो, अपनी फसल को डायरेक्ट देखो, आप कंपनी को डायरेक्ट उनके साथ कॉन्टेक्ट करके व्यापार करो। तो राहुल गांधी जी की खुद की स्पीच लोकसभा की जारी हुई है और इनके दीपेंद्र हुड्डा जी 2012 में खुद कहते हैं कि आरडीपीओ ने मार दिया, बिचौलियों ने मार दिया किसान को, और वो तो 24-24 इंच का आलू पैदा कर रहे थे दीपेंद्र जी लोकसभा के अंदर। और इनके कपिल सिब्बल जी के स्टेटमेंट है 2019 का, इनका लोकसभा का मैनिफेस्टो आप उठा के देख लीजिए, उसमें यही लिखा हुआ है। बल्कि ये तो लिखते हैं पेज नंबर 18 पे कि हम एपीएमसी एक्ट को खत्म कर देंगे, जबकि हमने तो एपीएमसी के साथ में छेड़छाड़ ही नहीं की। दूसरा, इनके जो जितने भी नेता हैं आप देखिए सुभेंदु जी, और स्वामीनाथन जी ने स्वयं 2017 में ट्वीट करके कहा है कि मेरी योजना और सिफारिशों को सही में अगर कोई लागू कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी जी। हुड्डा कमेटी की रिपोर्ट आप देख लीजिए, आपके हुड्डा कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी यही कहा गया है कि किसान को डायरेक्ट मार्केटिंग करने का ओपन बाजार किसान को दिया जाए। तो आप तो खुद दोगले लोग हैं अपनी बातों से कह के पीछे हटते हैं। और दूसरा, जहां तक स्वामीनाथन जी की बात है, 2006 में जब आपने कमेटी बनाई उसकी जब रिपोर्ट आई, आपने 8 साल तक क्यों रिपोर्टों को दबाए रखा? मेरे को जवाब भी देके जाना आप जरूर कि आपने 8 साल तक स्वामीनाथन की रिपोर्टों को लागू क्यों नहीं किया? आप इसके लिए माफी मांगेंगे देश से? 1993 में जब हरियाणा प्रदेश के अंदर शुभेंदु जी इनकी सरकार थी, बंसीलाल जैन के भजनलाल जी मुख्यमंत्री थे, इन्होंने गोलियां चलवाई थी किसानों पे, उन्होंने बिजली के बिलों का अवरोध किया था, रेट बढ़ाए थे इन्होंने, इन्होंने गोलियां चलवाई थी, 1 दर्जन से ज्यादा किसानों को शहीद कराया था। ये तो किसानों के हत्यारे लोग हैं कांग्रेस पार्टी। आज बताइए मुझे, भारतीय जनता पार्टी के राज में कभी कोई किसान आंदोलन नहीं हुआ, एक भी किसान की कैजुअलिटी नहीं हुई, इन्होंने किसानों को शहीद कराया। इसीलिए ये आरोप लगाना चाहते हैं भाजपा पे कि इस बार किसानों को उकसा करके उनको जवाब ले लेते हैं। राय सिंह जी जवाब दीजिए जरा। शुभेंदु, जहां तक मेरे मित्र कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी का जो वक्तव्य संसद में रहा है, राहुल जी के और भी बहुत वक्तव्य संसद में रहे हैं, और राहुल जी ने जिस प्रकार से बिल की बात की थी कि इस प्रकार की हम बात रखेंगे, उस पूरे व्यवस्था को इन्होंने अपनी सरकार आने के बाद बदल दिया। रही बात इनके नेता, हमारी स्वर्गीय नेता जो पृथ्वी पर नहीं है स्वर्ग में है। हेलो जी, जी राय सिंह जी बताइए। सुषमा स्वराज जी और जेटली जी, उनके वक्तव्य भी अगर ये संसद में दिए गए आरतियों के बारे में पढ़ें तो उनका ज्ञान दुरुस्त होगा। रही बात उड़ा साहब की कमेटी के बारे में, उड़ा साहब ने कमेटी के बारे में विस्तार से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि हम कृषि सुधार बिल लाएंगे, लेकिन कृषि सुधार बिल का पूरा एजेंडा उद्योगपतियों के तरीके से अधीन कराकर नहीं करेंगे। ये भूल गए इस चीज को कि जिस प्रकार से हमारी कमेटी में जो मुद्दे आए थे उसमें एमएफसी जो हमारी मंडी थी उस मंडी का दायरा पूरे प्रदेश के अंदर बढ़ाने का था, हमने 20 किलोमीटर तक के दायरे में करने का प्रयास किया था। चलिए ठीक है। रही बात कि उन मंडियों के आधार पर ही व्यवस्था को मजबूत किया जाता था और इन्होंने पूरी। ठीक है, जरा इस बीच एक बड़ी खबर भी सामने आ रही है दर्शकों के साथ, वो साझा कर लेते हैं। पंचकुला से खबर, जहां मेयर पद के लिए लगातार वोटों की गणना हो रही है, बीजेपी उम्मीदवार 2198 वोट से आगे चल रहे हैं और बीजेपी उम्मीदवार को 14,242 वोट मिले हैं। तो पंचकुला से स्पीच जानकारी, जहां पर कांग्रेस उम्मीदवार को फिलहाल 12,044 वोट मिले हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पंचकुला से स्पीच ये अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर मेयर पद के 8वें राउंड की गिनती जो है पूरी हो चुकी है, 2198 वोटों के साथ बढ़त बनाई हुई है, बीजेपी उम्मीदवार को 14,242 वोट फिलहाल मिले हैं और वहीं कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 12,044 वोट मिले हैं। तो पंचकुला से स्पीच खबर, जहां पर 2198 वोटों से बीजेपी उम्मीदवार आगे चल रहे हैं, बीजेपी उम्मीदवार को 14,242 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को 12,044 वोट 8वें राउंड की वोटों की गिनती में मिले हैं इस दौरान। लेकिन ये जो फिलहाल अंतर है वो पहले के मुकाबले बढ़ा भी है, लेकिन क्या ये बढ़त आगे यूं ही बनी रहेगी, ये बड़ा सवाल। लेकिन पंचकुला के अंदर जब उपेंद्र कौर अलुवालिया लगातार ये दावा कर रही थी कि जो डंपिंग ग्राउंड है उसको शिफ्ट करने की मांग एक बीते लंबे समय से उठती रही, तो क्या उसको उस मुद्दे को आधार बनाया गया? लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं सोनीपत से, जहां मेयर पद उम्मीदवार को लेकर के 11वें राउंड के बाद अब कांग्रेस उम्मीदवार आगे निकलते हुए नजर आ रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार 3,545 वोटों से आगे नजर आ रहे हैं और कांग्रेस उम्मीदवार को 43,370 वोट मिले हैं, बीजेपी को 39,000 से ज्यादा वोट अब तक मिल चुके हैं।
तो ये स्पीच जानकारी जहां पर 11वें राउंड की वोटों की गिनती अब पूरी हो चुकी है और 11वें राउंड के बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने 3,545 वोटों की बढ़त के साथ अब आगे नजर आ रहे हैं 43,370 वोट फिलहाल कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे पहले पंचकुला की जानकारी हमने आपको दी थी, लेकिन अब सोनीपत मेयर पद के उम्मीदवार जो कि एक बड़ी टक्कर और कड़ी टक्कर मानी जा रही है और बेहद कांटे का मुकाबला ये नजर आ रहा है। साथ ही आपको बता दें कि जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं 39,825 वोट फिलहाल इस दौरान उनको मिले हैं, 43,370 वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार यानी कि निखिल मदान को मिले हैं और 3,545 वोटों का अंतर इस दौरान देखा जा रहा है। और पंचकुला से हमारी संवाददाता उमंग शौरान हमारे साथ सीधे जुड़ चुकी हैं, जरा उनका रुख कर लेते हैं। उमंग, क्या अभी तक अपडेट है, क्या जानकारी है और अभी तक 8वें राउंड की वोटों की गिनती हो चुकी थी, उसके बाद क्या अभी तक जानकारी है? पंचकुला में नगर निगम चुनाव को लेकर काउंटिंग चल रही है, उसमें 8 राउंड की जो काउंटिंग पूरी हो चुकी है जिसमें मेयर कैंडिडेट के भाजपा के प्रत्याशी जो है कुलभूषण गोयल उनको अब तक कुल मिलाकर 14,242 वोट मिली है, जबकि कांग्रेस की उपेंद्र कौर आहलूवालिया को 12,044 वोट है। और करीब आपको बता दें कि ये जो 8वें राउंड के बाद लीड जो है वो 2,198 वोट की है, जिसमें भाजपा प्रत्याशी 2,198 वोट से आगे चल रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं अभी की ताजा अपडेट वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, युवा नेता हैं पंकज वाल्मीकि, वो विजयी हो गए हैं, उन्होंने जीत हासिल की है। हालांकि कितने मार्जिन से जीत हासिल की है ये भी साफ नहीं हो पाई है, लेकिन आपको एक बार फिर बता दूं पंचकुला के वार्ड नंबर 6 से कांग्रेस के युवा प्रत्याशी पंकज वाल्मीकि ने जीत हासिल की है। कांग्रेस के ये प्रत्याशी हैं जो जीते हैं वार्ड नंबर 6 से। इसके अलावा तमाम जो वार्ड हैं उसमें भी 8 राउंड की काउंटिंग पूरी हो चुकी है, जिसमें वार्ड नंबर 1 से आजाद उम्मीदवार सुखविंदर सुखा जो है वो आगे चल रहे हैं, जबकि वार्ड नंबर 2 से भाजपा के सुरेश वर्मा आगे चल रहे हैं, वार्ड नंबर 3 से भाजपा की रितु गोयल आगे चल रही है, वार्ड नंबर 4 से भाजपा की सोनिया सूद आगे चल रही है, वार्ड नंबर 5 से जय कुमार कौशिक जो भाजपा के युवा उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं, वार्ड नंबर 6 से मैंने आपको बताया कि पंकज जो है वो विजयी घोषित हो गए हैं, वार्ड नंबर 7 से उषा रानी हैं कांग्रेस की आगे चल रही हैं, वार्ड नंबर 8 से भाजपा के हरिंदर मलिक आगे चल रहे हैं, वार्ड नंबर 9 से कांग्रेस के ओमकार शुक्ला आगे चल रहे हैं और वार्ड नंबर 10 से भाजपा के डिंपल लुम्बा आगे चल रही हैं। ये अभी तक 10 वार्ड की जो काउंटिंग चल रही है उसमें 8 राउंड पूरे हो चुके हैं, जिसके बाद की ये मतगणना आगे अभी तक सामने आई है। भाजपा के जो प्रत्याशी है मेयर पद के उन्होंने एक अच्छी बढ़त बनाई हुई है, 2,198 वोट से वो कांग्रेस की जो प्रत्याशी है मेयर पद की उपेंद्र कौर आहलूवालिया उनसे आगे चल रहे हैं जी। लेकिन अभी उमंग, क्योंकि 8 राउंड की तो वोटों की गिनती हो चुकी है पूरी, लेकिन अभी तक कितने और राउंड बाकी बचे हैं, कितना और समय लग सकता है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए अगर मेयर पद की बात करें तो अभी कई राउंड बाकी हैं, जिसमें ग्रामीण जो इलाके हैं वो भी सामने आने हैं, उसके बाद ही अभी 9 राउंड का जो मेयर कैंडिडेट के मतगणना पूरी हो गई है। ठीक है, तो ये लगातार जानकारी जो हमारी संवाददाता हैं वो पहुंचा रही हैं। केंद्र में 9वें राउंड की जा रही है, 9 राउंड के बाद लगभग 3,000 वोट से भाजपा के प्रत्याशी आगे हो गए। आपको बता दें 8वें राउंड के बाद जो बढ़त 2,198 थी, अब वो 9वें राउंड के बाद भाजपा प्रत्याशी की बढ़त करीब 3,000 वोट से आगे हो गई है। दूसरे नंबर पे कांग्रेस के उम्मीदवार जो है मेयर पद की उपेंद्र कौर आहलूवालिया चल रही है जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमंग इस पर जानकारी देने के लिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो स्पीच एक बड़ी और अहम खबर, क्योंकि 8 राउंड की अब तक वोटों की गिनती पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब 9वें राउंड की गिनती भी पूरी हो चुकी है। जैसा कि हमारी संवाददाता उमंग इस वक्त बता रही थी कि लगभग जो अभी तक इससे पहले तक 8वें राउंड तक 2,198 वोटों की बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कुलभूषण गोयल वो आगे बने हुए थे, और अब 9वें राउंड में भी
ये बढ़त बढ़ चुकी है और 3000 वोटों का अंतर अब ये आ चुका है। 3000 वोटों के अंतर के साथ बढ़त बनाए हुए हैं कुलभूषण गोयल, उपेंद्र कौर आलूवालिया कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार फिलहाल पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं, लेकिन आगे अभी और भी कई राउंड हैं, कई राउंड की और भी वोटों की गिनती होनी है जिसके बाद पूरी तरीके से जो पिक्चर है वो क्लियर हो पाएगी। लेकिन फिलहाल की अगर तस्वीरें देखें तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं कुलभूषण गोयल, पंचकुला मेयर पद के उम्मीदवार, वो फिलहाल आगे नजर आ रहे हैं। और चलिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सोमवीर आर्य जी, बहुत स्वागत है सोमवीर जी आपका कार्यक्रम में। जरा जल्दी से आगे बढ़ते हैं, मैं जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे ले लेता हूं। ये इस चुनावों के अंदर स्थानीय स्तर के चुनाव, लेकिन इसमें कैंपेनिंग हर राजनीतिक दल ने की, इसमें बात एक ये भी सामने आई कि कांग्रेस पार्टी के तरफ से पार्टी सिंबल पर चुनाव लड़ा गया। ये जो चीजें रही हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, क्या ये एक एक्सपेरिमेंट के बाद बड़ी चुनौती है? दूसरा ये कि अभी उकलाना के अंदर चाहे वो चेयरमैन पद की बात हो चाहे वो वार्ड वाइज हो, उसमें निर्दलीय प्रत्याशियों ने जीत हासिल की है, तो दोनों बड़ी पार्टियों को नकारते हुए निर्दलीय प्रत्याशियों की जीत, इसके संकेत क्या है? देखिए शुभेंद्रु जी, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे आजकल जो पहले अंदर से अपना टॉपिक है शहरीकरण जो है वो गांव से ही हुआ है, क्योंकि हमारे हरियाणा में मोस्ट ज्यादातर जितने भी शहर कह लें हम जिसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना है वो गांव से ही रिसेटेड है मोस्टली, जो असल जो शहर है वो तो बहुत थोड़ा सा है। तो इसमें ये जो सिंबल की आप बात कर रहे हो तो क्या है कि कांग्रेस का एक थोड़ा सा एक इम्प्रेशन रहा है, हालांकि वो अब टूट चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वो थोड़ी सी शहरों में अपने आप को पहले कमजोर मानती थी और बीजेपी को शहरी पार्टी कहा जाता था, लेकिन वो कैलकुलेशन सारे उल्टे बदल चुके हैं। कांग्रेस की मंशा नियत ये थी कि जो भी रूलिंग पार्टी है उसके खिलाफ जित पार्टी होती, क्योंकि कोई भी इलेक्शन आप इतिहास देख लीजिए उसमें जितना भी जो रूलिंग पार्टी था उसके वर्सेस दूसरी होती है जितनी खिलाफ पार्टियां, तो किसी को भी एक वोटर है मान लो वो इनेलो का वोटर है और एक कांग्रेस का है, तो बीजेपी को हराने के लिए इनेलो वाला वहीं पे चला जाएगा जो वोट जो कैंडिडेट बीजेपी को हराता नजर आएगा। इसलिए ये क्लियर कट सिंबल दिया कि भाई हम बीजेपी के खिलाफ खड़े हैं, रूलिंग पार्टी के खिलाफ खड़े हैं, आप जितना भी विरोध बीजेपी का विरोध हो हमारी तरफ आ जाए, इसलिए एक बहुत बहुत क्लियर सा संदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन लेकिन कांग्रेस पार्टी तो अब तीसरे नंबर पर है, उकलाना में भी देखने को मिला और कई और जगह पर जो है पिछड़ते हुए नजर आ रही है। सोनीपत में हालांकि बढ़त बनाए हुए है, हम जरा बात सोनीपत की भी कर लेते हैं। सोनीपत में बढ़त का कारण क्या है, क्योंकि अंतर एक अच्छा खासा है, 4000 से ज्यादा वोटों का अंतर फिलहाल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ने बनाया हुआ है, भारतीय जनता पार्टी इसमें दूसरे पायदान पर है, इसके पीछे कारण आपको क्या नजर आता है? जो आसपास का परिवेश था, जो किसान आंदोलन हुआ उसका प्रभाव इसको माना जाए या कोई और दूसरा? देखिए आप अगर ईमानदारी से देखें ना तो आप पुराने इतिहास में चले जाइए। मैं माफी के साथ रोकना चाहता हूं सर, सोनीपत से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सोनीपत से खबर जहां मेयर पद उम्मीदवार की काउंटिंग इस वक्त की जा रही है, और साथ ही आपको बता दें कि मेयर पद को लेकर के जब कश्मकश की स्थिति है, कांटे की टक्कर सोनीपत में बनी हुई है, तो 12वां राउंड है और 11 राउंड की इससे पहले तक वोटों की गिनती हो चुकी थी, लेकिन 12वां राउंड कांग्रेस उम्मीदवार जो है 47,572 वोट 12वें राउंड के अंदर उनको मिले हैं, और एक बार फिर से क्योंकि ये बढ़त का जो सिलसिला है वो सोनीपत के अंदर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के लिए एक फायदेमंद नजर आ रहा है, और लगातार ये बढ़त हर राउंड के हिसाब से बढ़ती चली जा रही है। 4,440 वोट का अंतर अब आ चुका है, 47,572 वोट जो हैं वो फिलहाल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को मिली है, और वहीं अगर बीजेपी के उम्मीदवार ललित बत्रा की बात करें तो 43,000 के लगभग उनको अभी तक वोट मिली है, तो यानी कि इससे पहले के राउंड में भी एक अंतर था लगभग 3,500 वोटों का, लेकिन अब जैसे ही ये आगे मतों की गणना चल रही है वैसे वैसे अंतर भी बढ़ता चला जा रहा है। बीजेपी के उम्मीदवार को 43,132 वोट फिलहाल मिलते हुए यहां नजर आ रहे हैं, और अब अंतर भी बढ़ चुका है। और शहर की सरकार को लेकर के लगातार हर पल की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, और हरियाणा न्यूज सबसे पहले आपके सामने नतीजे पहुंचा रहा है और सोनीपत को लेकर के हलचल क्या है, साथ ही साथ पंचकुला में अभी तक स्थिति क्या बनी हुई है, ये सभी चीजें हमने आपको बताई हैं, और ये सिलसिला जो है आगे भी इसी तरीके से बना रहेगा। आप
कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे साथ। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहां जरूर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद भी इसी तरीके से ये महाकवरेज जारी रहेगी।